तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विजुअल फॉक्स प्रो में यूजर से किसी नंबर का इनपुट लेके उनके डिजिट्स का सम निकालना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आप ही लोगों सब्सक्राइबर में से कुछ सब्सक्राइबर्स का ऐसा रिक्वेस्ट आया था जो विजुअल फॉक्स प्रो के प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले मॉडिकॉम एबीसी, मैंने ऐसा लिखा और इंटरप्रेस किया। देखिए, यहाँ पे एक पीआरजी फाइल खुला है जिसका नाम, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, abc.prg है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो क्लियर कमांड यूज कर लेता हूँ और उसके बाद इनपुट कमांड से मैसेज देते हुए कि भाई इंटर एनी इंटीजर, मैं इनपुट किए गए नंबर को एन में रख लेता हूँ। ठीक है, अभी आप प्रिंट करो एन को, देखो क्या होता है। डू एबीसी, अगर आप 678 ऐसा कुछ डालते हो तो 678 आ रहा है। अभी यहां प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको सबसे पहले डिजिट निकालना होगा। देखिए, हम लोग जो नंबर फॉलो करते हैं वो डेसिमल नंबर होता है। तो एक सिंपल सा फंक्शन है, अगर मैं मॉड लगाऊं, मॉड फंक्शन एन के ऊपर 10 से भाग दूं, इसका मतलब हुआ कि एन में जो भी वैल्यू है उसमें 10 से भाग दो और जो रिमाइंडर है उसको प्रिंट करो। तो देखो, अभी अगर मैं डू करता हूं 1 2 3, तो देखो 3 जो एक डिजिट है, सबसे राइट मोस्ट डिजिट है, वो उठ गया, वहां से निकल गया, है ना। तो ऐसा करता हूं कि इस फंक्शन को मैं यूज करूंगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं डू व्हाइल एन इज ग्रेटर देन 0, जब तक एन का वैल्यू 0 से ज्यादा है। ये देखिए क्यों मैंने ऐसा लिखा, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो डी को रखो, डी में क्या रख दो भाई, तो मॉड ऑफ एन कॉमा 10 रख दो। और ध्यान देने वाली बात है कि एन को एन में से उस पर्टिकुलर डिजिट को हटाना होगा जो डिजिट निकल चुका है। जैसे अगर मैंने 1 2 3 एक नंबर में एन में 123 डाला, तो डी में उस केस में 3 आएगा और एन इक्वल्स एन बाई 10 होगा, तो 123 में 10 से भाग लगेगा तो 12.3 मरतबा लगेगा। अब 12.3 एन में आने को चाहेगा, लेकिन INT फंक्शन के वजह से एन में 12.3 ना आके 12 आएगा, और यही चीज जब तक लूप चलेगा तब तक होगा। तो अगर मैं आप लोगों को प्रिंट कराऊं डी का वैल्यू, देखो बहुत ध्यान से समझना, अगर मैंने 3 4 5 डाला तो देखो शुरू में 5 आया। क्यों भाई? क्योंकि मॉड फंक्शन अप्लाई हुआ 345 पे, 345.10 रिमाइंडर 5 आ गया। लेकिन उसके बाद n इक्वल्स INT ऑफ 345 बाई 10 हुआ, 34.5 आना तो चाहिए था, लेकिन INT फंक्शन के वजह से 34 आया। तो अगले बार के लिए, लूपिंग के लिए, n का वैल्यू 345 से घटके 34 हो गया। तो अगले बार जब मॉड फंक्शन लगा तो 34.10 हुआ, तो 34.10 जब मॉड लगा तो 34 में 10 से भाग लगा, रिमाइंडर क्या आया? 4 आया, वो 4 प्रिंट हो गया। उसके अगले दफा जो है INT जब लगा n बाई 10, 34 बाई 10, तो 3.1 आना चाहा, लेकिन वो 3.4 नहीं आके 3 आ गया। तो इस तरह से आप देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे डिजिट्स आपके सामने निकल चुका है। अभी हम लोगों को ये एक्चुअली करना नहीं है, जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया कि मुझे सम निकालना है। तो ऐसा मैं करता हूँ, एक s नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और d को प्रिंट ना करवा के s में ऐड करके रख लेता हूँ। अभी देखो, यहां पे मैं मैसेज प्रिंट करता हूं कि सम ऑफ डिजिट्स इज ओके कॉमा एस। अभी देखो, जब मैं डू करता हूं, मैंने डाला 2 3 7 8, तो रिजल्ट आ रहा है 20। कैसे भाई? तो 8 7 15 15 3 18 और 2 20। ठीक है, लेकिन एक चीज हम लोग यहां पे जानना चाहेंगे कि भाई एन का क्या हुआ। एन के वैल्यू को देखो, एन जीरो हो गया होगा, आप कुछ भी डालो, देखो एन का वैल्यू जीरो है। ये यहां पे जो ये जीरो आ रहा है ना, ये इसी वजह से आ रहा है। तो होगा ही, जब आप लूप चलाओगे, आपने लिखा भी है कि जब तक एन का वैल्यू जीरो से ज्यादा है तब तक चलाते रहो, तो रुका कब होगा? जब एन का वैल्यू जीरो हुआ होगा। तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपको लिखना है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द इंटीजर ऐसा कॉमा। अगर आप एन लिखते हो, देखो प्रॉब्लम क्या होगा, मैं क्यों बता रहा हूं। एन इज, तो देखो एन का वैल्यू तो जीरो हो चुका है। अगर आप 236 डालते हो तो देखो क्या मैसेज आ रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द इंटीजर 0 इज 11। 11 तो अपने जगह सही है, 6 3 9 2 11 11 आना भी चाहिए, लेकिन n का जो वैल्यू है वो तो 0 हो चुका लूप के बाहर आने के बाद। तो मैं ऐसा करता हूं कि इनपुट लेने के बाद और लूप से पहले कहीं भी एक डुप्लीकेट वेरिएबल या जो भी x y z वेरिएबल आप ले लो,
उसमें एन का वैल्यू मैं स्टोर कर लेता हूं, उससे ये होगा कि एन जीरो हुआ लेकिन उसका एक कॉपी ड्यूप में असाइन हो चुका है। तो अगर आप ड्यूप को देखोगे यहां पे प्रिंट करके तो देखो अब सही है 4 5 6, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द इंटीजर 4 5 6 इज 16। बीच में बहुत सारा गैप आ रहा है तो अगर आप चाहो तो उस गैप को आप हटा सकते हो str फंक्शन लगा के। लेकिन देखना यहाँ पे str फंक्शन जो है ना वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। अभी आप देखो आप 2 3 4 डालो अभी भी गैप आ रहा है। तो ऐसा है कि str फंक्शन लगाने के बाद altering फंक्शन से मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों साइड के स्पेसेस को हटा दे रहा हूँ। अब दोनों साइड स्पेस है कि नहीं है ये कैसे पता? तो भाई एक साइड भी होगा तो अल्टीम तो दोनों साइड से हटा देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द इंटीजर 1 2 5 इज 8 ऐसा कुछ आ गया। तो ये रहा आपका परफेक्ट सॉल्यूशन जिसके जरिए आप बहुत आराम से विजुअल फॉक्स प्रो के अंदर किसी यूजर से किसी इंटीजर या नंबर का इनपुट लेके उसके डिजिट्स के सम को प्रिंट कर सकते हो। लॉजिक यही होगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सपोर्ट के लिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।